तो गाइस आईपीएल 2023 की तैयारियां काफी जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है और गाइस मिनी ऑक्शन से लेके और आईपीएल 2023 से लेके यहां पे काफी ज्यादा भर भर की जो खबरें हैं वो फाइनली आना स्टार्ट हो गया। और गाइस मैंने आपको लगातार वीडियोस डालना भी स्टार्ट कर दिया है, सब चीजें मैंने आपको बताना स्टार्ट कर दिया है, कौन सी चीज क्या हो रहा है, कब कहां पे क्या चीज इंप्लाई हो रहा है, सब चीज बताना स्टार्ट कर चुका हूं। गाइस जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप हमसे लगातार कनेक्टेड भी रहने वाले हैं और हर न्यूज के बारे में आपको पता चलता हुआ भी नजर आने वाला। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फाइनल बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में। तो गाइस जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो चेन्नई के फैंस के लिए और आईपीएल के सभी फैंस के लिए खुश करने वाली आ रही है कि सुरेश रैना मिनी ऑक्शन में अपना नाम देने वाले हैं। हाँ गाइस ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि सुरेश रैना मिनी ऑक्शन में अपना नाम देते हुए नजर आने वाले हैं और यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि अपना जो बेस प्राइस है वो 1 करोड़ करने वाले हैं, यानी पिछले बार जो 2 करोड़ का बेस प्राइस था उसे फाइनली रैना 1 करोड़ करने वाले हैं। और ऐसी बातें भी चल रही है, रूमर्स भी ऐसे चल रहे हैं कि इनकी बात चेन्नई सुपर किंग के साथ हो रही है और ऐसा हो सकता है कि टाई अप करके चेन्नई सुपर किंग ने ही बेस प्राइस कम करवा के इन्हें अपने टीम में लेने का अब यहां पे फैसला लिया है। और अगर ये चीजें अगर कंफर्म न्यूज़ हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है और ये तो मिनी ऑप्शन नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पहली खबर और काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है कि सुरेश रैना मिनी ऑप्शन में कंफर्म हो चुका है कि अपना नाम देते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं दूसरे चीज के बारे में और यह है रिटेंशन को लेकर। हाँ गाइस मैंने आपको कल बताया था मिनी ऑक्शन का डेट और अब काफी लोग हमसे पूछ रहे भाई आपने रिटेंशन डेट नहीं बताया, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस दिन पता चलता है कि कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन हुए हैं और कौन सी टीमों ने किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है और ये सबसे बड़ा प्रोसीजर होता है। तो गाइस अगर यहाँ पे बात करें और सभी चीजों को मैंने सोचा खंगाला और इसके बाद ये पता चल रहा है कि अगर आपको ऑक्शन और नीलामी अगर आपको करवाना है, अगर आप वर्ल्ड कप के बाद करवाना चाहते हैं तो आपको रिटेंशन जो है वो वर्ल्ड कप के पहले करवाना पड़ेगा। हाँ गाइस और ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे हालात में अगर देखा जाए तो आपको जो रिटेंशन पॉलिसी है वो 5 अक्टूबर तक होता हुआ नजर आ सकता है। हाँ गाइस 5 अक्टूबर को यहाँ पे आपको रिटेंशन पॉलिसी देखने को मिल सकती है और ये भी जो दावा है वो काफी ज्यादा मजबूत है। और गाइस इसी के बीच में हमें देखने को मिलेगा कि 5 और 6 तारीख को ये रिटेंशन करवा लेंगे, 15 अक्टूबर से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा और वर्ल्ड कप के तुरंत बाद हमें मिनी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि पूरा जो चीज है शेड्यूल है पूरी तरीके से टाइट है और ये चीजें होता हुआ नजर आने वाला है। तो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं तीसरे न्यूज के बारे में और यह है नारायण जगदीशन को लेकर। हाँ गाइस नारायण जगदीशन का यहाँ पे मैटर काफी बड़ा बढ़ चुका है क्योंकि TNPL के पहले ही मुकाबले में काफी ज्यादा रंजिश और गर्मा गर्मी का माहौल हमें देखने को मिला है, जो कि मैंने आपको बताया चेपॉक सुपर गिल्स और रॉयल किंग्स के बीच में मुकाबला था। तो यहाँ पे जो कि चेपॉक सुपर किंग्स ने यहाँ पे जब बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया था तो नारायण जगदीशन को एक बार फिर से मैन किडिंग का यहाँ पे मामला सामने आया है और बाबा अपरजीत ने इन्हें मैन किडिंग कर दिया और गाइस यहाँ पे 25 रन बना खेल रहे थे, काफी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वहां पे मैन किडिंग का हमें मामला देखने को मिला है और इसके बाद काफी ज्यादा यहाँ पे चीजें माहौल काफी ज्यादा गर्म भी रहा था, लेकिन इसे ICC की तरफ से यहाँ पे लीगल घोषित कर दिया गया है और हमें ये चीज कल पहले ही मुकाबले में देखने को मिला। और गाइस TNPL का पहला मुकाबला टाई रहा था और यहाँ पे उसके बाद बात किया टाई होने के बाद यहाँ पे मुकाबले को ये रॉयल किंग्स ने जीत लिया था, लेकिन यहाँ पे नारायण जगदीशन का जो मैटर है वो काफी ज्यादा गर्मी गर्मा हमें देखने को मिला। अब ये बताइए आपकी क्या ये चीज सही हुआ कि खराब हुआ, अपनी राय जरूर बताइएगा। तो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले चीज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएगा। हाँ गाइस टेलीग्राम को आपको पल पल की खबरें मिलती रहेंगी, सब चीजें आपको वहां पे मिलती रहती हैं, तो हमें फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सब चीजें मिलती रहती है। सो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले चीज के बारे में और ये है BCCI वर्सेस PCB। हाँ गाइस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI के बीच फिर से यहाँ पे चीजें गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जय शाह ने कहा था कि हम जो IPL का पीरियड है उसे 2.5 मंथ का यानी कि 2.5 महीने का IPL को करना चाहते हैं और इसकी जो बात है वो ICC के मीटिंग में हम रखेंगे और ये चीजें इन्होंने रखा और इसका विरोध पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया। हाँ गाइस रमी फ्रावा ने साफ कहा है कि अभी तक कोई भी ऐसा एक्सटेंशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और एक्सटेंशन के हम बिल्कुल ही खिलाफ हैं, यानी कि इसका साफ साफ मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका पूरा विरोध कर रहा है और इनका पूरा यहाँ पे चीजें और समर्थन रहने वाला है कि कैसे ना कैसे करके एक्सटेंशन को रोका जाए। अब यहाँ पे देखना होगा BCCI आगे क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे जो ICC है वो BCCI का पूरी तरीके से कहना
करना मानती है। अब देखना होगा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। तो भाई फाइनली बात करने वाले हैं पांचवें न्यूज के बारे में, और उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह को ऐसा हो सकता है कि आयरलैंड के सीरीज में मौका मिल सकता है। हाँ गाइस, बाकी खिलाड़ियों को मौका मिल गया और ऐसी उम्मीदें रहने वाली है कि इन दोनों खिलाड़ियों को भी आयरलैंड में मौका मिल सकता है। अब देखना होगा चीजें आगे क्या होती है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भी पॉजिटिव साइंस आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइस ये थे वो सभी न्यूज जो कि आज के डेट में निकल के आए थे, मैंने आपके सामने ला के रख दिया है। तो गाइस फाइनली आप बताइए कि आपके लिए कौन सी खबर थी सबसे अच्छी, आपकी अपनी जो हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, आप मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।